हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको भारत के 1000 साल पुराने मंदिर की बात बताने जा रहा हूँ। आपने आज तक ऐसे मंदिरों के दर्शन किए हैं जो 1000 साल पुराने हों? अगर नहीं तो इन मंदिरों की खूबसूरती कम होने से पहले ही इनके दर्शन कर लें। इनमें से कुछ मंदिर 1000 नहीं बल्कि 2000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं और जिनकी खूबसूरती अभी भी पहले जैसे ही है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और अनेक धर्मों के लिए जाना जाता है। इसी देश में दुनिया के ऐसे भव्य मंदिर और ऐतिहासिक इमारतें हैं जिनका निर्माण सभ्यता के शुरुआत में किया गया था और वह अभी तक अस्तित्व में है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। भारत में आज भी हजारों साल पुराने मंदिर पाए जाते हैं जिनकी खूबसूरती आज भी बरकरार है। जानना चाहते हैं उन 1000 साल पुराने मंदिरों के बारे में? तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल, तमिलनाडु के त्रिचुलापरी का श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर 108 दिव्य देशमों में से एक है। दक्षिण भारत के सबसे खूबसूरत और भव्य मंदिर को 6वीं और 9वीं शताब्दी के बीच बनवाया गया था। यह मंदिर 156 एकड़ में फैला हुआ है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर माना जाता है। बद्रीनाथ मंदिर, प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर के बारे में कौन नहीं जानता। भगवान विष्णु पर बना यह मंदिर उत्तराखंड के बद्रीनाथ शहर में मौजूद है। चार धाम यात्रा में इस मंदिर को भी शामिल किया गया है। कुछ ऐतिहासिक रिपोर्टों के अनुसार ये मंदिर 8वीं शताब्दी तक एक बौद्ध मंदिर था, फिर बाद में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर को हिंदू मंदिर में तब्दील कर दिया था। दोस्तों, बात करते हैं श्री द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर में भगवान कृष्ण की प्रमुख रूप से पूजा की जाती है। इस मंदिर को जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात में मौजूद ये मंदिर चार धाम यात्रा में शामिल है। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर 500 नहीं, 1000 नहीं बल्कि 2500 साल पुराना है। पुरातात्विक तथ्यों में भी इस मंदिर का जिक्र किया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कुंभेश्वर मंदिर। आदि कुंभेश्वर मंदिर जैसा शानदार और भव्य मंदिर तमिलनाडु राज्य के कुंभकोणम में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर को 9वीं शताब्दी में बनवाया गया था, जो कि 30,181 वर्ग फुट के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। तो दोस्तों, बात करते हैं बृहदीश्वरा मंदिर। बृहदीश्वर या बृहदीश्वरा मंदिर तमिलनाडु के तंजापुर शहर में मौजूद है। यह मंदिर श्री भगवान शिव को समर्पित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस मंदिर को राजा रेश्वरम या पेरुदुबुदयार कोइल के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस खूबसूरत मंदिर का निर्माण 1010 ईस्वी में पूरा हुआ था। ये दक्षिण भारत के सबसे बड़े मंदिरों में शामिल है। दोस्तों, बात करते हैं सोमनाथ महादेव मंदिर। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें सबसे ऊपर स्थान सोमनाथ मंदिर को दिया गया है। यह मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र में वेरावल के पास प्रभास पाटन में मौजूद है। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर को 7वीं शताब्दी में बनवाया गया था। हालांकि इस मंदिर को इतिहास में कई बार नष्ट किया गया है और कई बार इसे फिर से बनाया भी गया है। तो दोस्तों, बात करते हैं कैलासा मंदिर। महाराष्ट्र के एलोरा का कैलासा मंदिर को चट्टान काटकर बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को 8वीं शताब्दी में बनाने के लिए चट्टान काटी गई थी और फिर तब जाकर इस मंदिर का निर्माण किया गया था। दोस्तों, बात करते हैं श्री अंबरनाथ मंदिर। मुंबई शहर में मौजूद इस मंदिर को अम्बेश्वर शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 1060 ईस्वी में किया गया था। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को पांडवों ने एक चट्टान को काटकर बनाया था। 11वीं शताब्दी में बना ये ऐतिहासिक मंदिर वाधवान नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों।